अमित शाह का सुपड़ा साफ होगा बिहार में, सुपड़ा साफ हो जाएगा, सुपड़ा साफ होगा। 2025 में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा या नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव, बताइए। तेजस्वी यादव बोलते हैं बोलते हैं ना, कहाँ 10 लाख लोकड़ी, अभी कहाँ किसको मिला बताइए, कभी बोलने से होता है कभी। 40 सीट भाजपा जीतेगी, श्योर है, श्योर है, बिल्कुल एकदम भाजपा जीतेगी, एकदम जीतेगी, तेजस्वी एकदम सपोर्ट है। 2025 में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा या तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार, बहुत जरूरी है, यहाँ भाजपा बोलाओ, बुलडोजर चलवाओ। लोग बोल रहे हैं कि रोजगार नहीं दे रहा, तेजस्वी बताएंगे आप। अरे आप है घर के मालिक, हमको 10 को रुपया के बात आवेगा तो हम आपसे मांगेंगे ना जी, तभी यहाँ जो नीतीश कुमार है औल इन औल, तो उनके सलाह से ना कुछ काम होगा। नमस्कार, देख रहे बिहार इंसॉर्ट्स, मैं हूँ आपके साथ रोहित। आपको बता दें कि 2 दिवसीय दौरे पर देश के गृह मंत्री अमित शाह बिहार आए थे और कल उन्होंने नवादा के कार्यक्रम में संबोधन करने के दौरान उन्होंने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि लोकसभा के चुनाव में बिहार में 40 में से 40 सीट जीतेंगे और विधानसभा में अब भाजपा का मुख्यमंत्री होगा। देखिए इस वक्त हम मौजूद हैं पटना जंक्शन पर, हम यहाँ पे लोगों से पूछेंगे, ये बताइए कल अमित शाह बिहार आए थे, बिहार के बारे वो बोले हैं कि अब 2025 में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, माननीय नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव खत्म। संभव तो लगता है कि बिहार से नीतीश कुमार तेजस्वी यादव खत्म होंगे, खत्म हो जाएंगे, हाँ हो जाएंगे, संभव लग रहा है, हाँ लग रहा है। ठीक है भाई, बताइए लोकसभा में क्या होगा, ये बताइए। लोकसभा में तो सब घेराव कर देगा, लोग सभा से सब। आप बताइए, कल अमित शाह ने एक बयान दिया और उन्होंने कहा कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा 40 में से 40 सीट भाजपा जीतेगी, श्योर है, श्योर है, बिल्कुल एकदम भाजपा जीतेगी, एकदम जीतेगी। अच्छा ये बताइए, बोल रहे थे कि 2025 में विधानसभा का जो चुनाव होगा उसमें भी भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, बिल्कुल जनता का मांग है, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव खत्म, बस वो फाइल मॉडल है ना, बीजेपी जनता की मांग है, जनता की मांग है, बिल्कुल जी, बीजेपी तो जनता चाह रही है, बिल्कुल चाह रही है, बिहार में आए, हर जगह बीजेपी में हो रहा है तो बिहार कैसे छूता रहे। राजद जदयू के लोग कह रहा है कि 24 में खेला खत्म हो जाएगा बीजेपी, तो उनका तो काम ही यही करना है ना, वो तो कह रहे थे हम प्रधानमंत्री भी बनेंगे, 24 को मिलकर बने ना प्रधानमंत्री, पहले बिहार बचा ले उसके बाद में कुछ करेंगे। बिहार की स्थिति क्या है, किसे छिपा हुआ, क्या घर, आज घर घर दारू पहुंचा दिए, यही तो बिहार का विकास किया है, कहते हैं कि दारू बंद है, आज घर घर दारू चल रहा है। अच्छा आप बताइए क्या बोल रहे हैं, दारू जो है कह रहे हैं कि बंद कर, दारू नहीं, बताइए कि 2025 में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा या नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव, ये बताइए। भाजपा का होगा, पूर्ण बहुमत, पूर्ण बहुमत से बताइए, आप लोग यूथ है, आप बताइए। चिराग पासवान, चिराग पासवान, हाँ अमित शाह बोल रहे हैं कि भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, मतलब तो चिराग पासवान बीजेपी से मिला हुआ है ना, बीजेपी अंदर से मिला हुआ है, मतलब बीजेपी आएगा, तेजस्वी देखिए तेजस्वी भरोसा किए हैं, ठीक ना, 10 लाख रोजगार देंगे, 20 मिलेगा, जिसे नियुक्ति भी किए उसको नियुक्ति पहले से किया हुआ उसको नियुक्ति दे रहे तेजस्वी नीतीश बाबू, घंटा धरा दी युवा को, इस बार खत्म है, खत्म रहेंगे तो आगे भी घंटा ही धरने को मिलेगा, रहेंगे तो आगे भी घंटा धरने को मिलेगा, आप लोग बताइए, आप लोग बताइए, आप बताइए, तेजस्वी के दम सपोर्ट नहीं करते। 2025 में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा या तेजस्वी यादव या नीतीश कुमार, बहुत जरूरी है, यहाँ भाजपा बोलाओ, बुलडोजर चलवाओ, भाजपा बोलाओ, बुलडोजर चलवाओ, आप बताइए, आप बताइए, सब दंगाई भुला, भाजपा दंगाई भुला गया, अमित शाह भी बोले हैं अब जो दंगा करेगा उल्टा लटकाएंगे सरकार में, जरूरी है, जरूरी है, जरूरी है, बिना भाजपा के कोई कार्रवाई भी नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लोकसभा के चुनाव में अमित शाह बोले हैं कि बिहार में 40 सीट है, 40 सीट जीतेंगे बिहार में, बिहार में योगी जैसा मुख्यमंत्री चाहिए, योगी जैसा, योगी जैसा, नीतीश कुमार तेजस्वी यादव नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए, योगी जैसा। आप बताइए, आप सीनियर सिटीजन है, आप बताइए, आप बताइए, लोकसभा का चुनाव होने वाला है बिहार में 40 सीट, अमित शाह बोले 40 सीट जीतेंगे, 40 सीट जो गठबंधन जीतेगा, बाबू जीतेगा, आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए कौन जीतेगा, हमने बताओ
अच्छा आप बताइए, मैं बता रहा हूँ, आप बताइए। एकदम केंद्र में मोदी सरकार ही आएगी, बीजेपी आएगी, दूसरा कोई नहीं आएगी, मान ली। हाँ बताइए, आपके पास आएंगे। हाँ बताइए, बताइए 2025 में जो विधानसभा का चुनाव, हाँ उसमें अमित शाह बोलेगा भाजपा का मुख्यमंत्री होगा, हाँ मतलब की नीतीश कुमार तेजस्वी यादव आउट, देखिए क्या हो रहा है। लेकिन भाजपा का आना जरूरी है क्योंकि यूपी में जिस तरह विकास हो रहा है, केंद्र में तो आप बता दिए, एक सेकंड, केंद्र का छोड़िए, विधानसभा का ही बात कर रहे हैं, 2025 का ही बात कर रहे हैं हम। अगर यूपी में जिस तरह जोगी ने डेवलप कर रहा है ना और अच्छा काम कर रहे हैं, उस तरह भी बिहार की भी जरूरत है, तभी जाके युवा का विकास होगा, नहीं तो कभी नहीं हो सकता। ये लिख लीजिए, बोलते हैं ना कहाँ 10 लाख लोग, अभी कहाँ किसको मिला, बताइए, कभी बोलने से होता है, कभी कुछ नहीं हो सकता, बोलने से कुछ नहीं होता। बताइए, आप बताइए चाचा, अमित शाह बोले हैं कि बिहार जो लोकसभा का चुनाव होगा 24 में 40 में से 40 सीट जीतेंगे, इलेक्शन होने दिए तब उनको पता चल जाएगा, इलेक्शन उनको पता चल जाएगा, चल जाएगा। तो बोल रहे हैं काहे बेचैन है, नीतीश कुमार को बुलाने के लिए क्यों बेचैन है, क्यों बेचैन है, क्यों बेचैन है कि हमरा में आ जाओ तेजस्वी में छोड़ दो, अच्छा क्यों आ रहा है, बार बार क्यों आ रहे हैं, अच्छा गए हूँ हम की चले गए, चले गए। अच्छा ये बताइए कि 2025 में जो विधानसभा का चुनाव होगा, हाँ। अमित शाह बोले थे कि इस बार भाजपा का ही मुख्यमंत्री होगा, मतलब नीतीश कुमार तेजस्वी तो खत्म बिहार से, कहने में, अरे कहने में बहुत आ करने में बहुत अंतर होता है, आपको क्या लगता है, नहीं होगा, नहीं होगा, देखिए ओबीसी का जनगणना जब हो जाएगा, ओबीसी का जब जनगणना हो जाएगा तो नहीं दिखेंगे वो लोग, जनगणना हो जाएगा तो बीजेपी नहीं दिखेगा, नहीं दिखेगा, देख ना लीजिए आप, अब देख लीजिए क्यों पगलाए हुए हैं, सही बता रहे हैं अंकल जी, आप देखिएगा। अच्छा अंकल आप बताए, चलिए आप बताइए, आप बताइए 2025 में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा या नीतीश कुमार तेजस्वी यादव, बताइए। तेजस्वी बनेंगे, तेजस्वी बनेगा, लोग बोल रहे हैं कि तेजस्वी से काम नहीं चलेगा, नहीं तो घंटा दिखा रहा है, उसके जैसे आप कोई आई नहीं है, कोई नहीं है, आपके बार तेजस्वी सरकार हाँ तेजस्वी की बीजेपी नहीं दम तेजस्वी लक्ष्मी ज्यादा वैसे किया है, उसके साथ अति किया कि हमारे आवास पर इतना अथी किया CBI तो कुछ नहीं मिला, ऐसे किया तो उस घंटा नहीं दिखाया, तो घंटा थोड़ी दिखाया, लोग बोल रहे हैं रोजगार नहीं दे रहा तेजस्वी, बताएंगे। अरे आप है घर के मालिक, हमको 10 रुपया के बात आवेगा तो हम आपसे मांगेंगे ना जी, तभी यहाँ जो नीतीश कुमार है औल इन औल तो उनके सलाह से ना कुछ काम होगा, अच्छा तो बोले के आदमी बोलेगा नहीं, पावर है देगा करके देखिए, देगा। चलिए आप बताइए, अभी तक वो जहाँ जाता है वहाँ हाथ उठा कहता कि हम वादा किए हम निभाएंगे, अच्छा। अभी तक कर रहा है समझे, होल्ड दिया है तेजस्वी, होल्ड दिया है लालू यादव, उसको मिलेगा जगह तभी ना भैया, जगह मिलेगा तभी ना, ऐसे खाली हवा में। आप बताइए, आप बताइए बाबा, बहुत देर से आप देख रहे हैं, क्या लगता है 2025 में अमित शाह बोले कि भाजपा का मुख्यमंत्री अब होगा नीतीश कुमार तेजस्वी यादव बिहार से आउट? देखिए हम ब्राह्मण हैं जी, बोलिए, और ब्राह्मण का राजनीति से मतलब नहीं है, नहीं है, जजमान ही उसका खेती है, चलिए ठीक है, चाहे राजमंत्री हो, चलिए हम समझ, चाहे बिहार का नेता हो, आप बताइए, आप समझ गए आपके बातों को, आपकी भावना हम समझ रहे हैं बाबा, आपको अच्छा कार्य देखेंगे। आप बताइए, अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आए थे कल, और वो बोले हैं कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा बिहार में 40 में 40 सीट भाजपा जीतेगा। 40 सीट तो नहीं, लेकिन अनुमानतः 30-35 के बीच में जरूर रहेगा, 35 के बीच में बीजेपी जीत जाएगा जी, रहेगा। अच्छा ये बताइए, विधानसभा में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा या नीतीश कुमार तेजस्वी? भाजपा अपना मुख्यमंत्री देगा, भाजपा मुख्यमंत्री बिहार में बना लेगा महंगाई को ले रहे। अच्छा ये बताइए, मुख्यमंत्री कौन बनाएगा, छोड़िए प्रियंका गांधी बनाइए, नौजवान के लिए, नौजवान के लिए एक धक्का तेजस्वी यादव के बनाना चाहिए, नौजवान तेजस्वी यादव जिंदाबाद, बोलिए तेजस्वी यादव जिंदाबाद। अमित शाह बोले हैं कि 2025 में भाजपा का मुख्यमंत्री होगा नीतीश कुमार तेजस्वी यादव, अमित शाह का सुपड़ा साफ होगा बिहार में, सुपड़ा साफ होगा एक गारंटी है, ये जुमलाबाजी सरकार, अब बिहार की जनता सब जान गई है कि जुमलाबाजी नहीं चलेगा, समझे, कौन ATM चोर है, कौन चोर, हम क्या बोले, कौन चोर है। तभी आपने देखा हम स्टेशन पर लोगों से राय जानना चाहते, हालांकि हम लोगों से बात किए, कुछ लोगों का कहना है कि 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा
तो आने वाले टाइम में समय पता चलेगा। और वही 2025 का जो विधानसभा चुनाव होगा, कुछ लोगों का कहना है कि भाजपा मुख्यमंत्री बनाएगा, और वही कुछ लोगों का कहना है कि तेजस्वी यादव पर हम लोगों को अभी भी उम्मीद है और तेजस्वी यादव ही मुख्यमंत्री बनेंगे। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ अपने साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।